दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृषि से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे पपीते के कुछ प्रमुख रोगों और उन पर नियंत्रण के बारे में। मंद मोजेक पपीते को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग के लक्षण पपीते के वलय चित्ती रोग के लक्षण से काफी मिलते जुलते हैं। यह रोग पपीता मोजेक विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। किसान मित्रों, पपीते के विषाणु जनित रोगों पर नियंत्रण के बारे में अभी तक समुचित जानकारी ज्ञात नहीं हो पाई है, लेकिन निम्न उपायों को अपनाकर रोग के फैलाव को रोका जा सकता है। सबसे पहले पपीते के बाग में साफ सफाई रखें। रोगी पौधों के अवशेषों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। नए बाग लगाने के लिए स्वस्थ तथा रोग रहित पौधों का चुनाव करें। रोगग्रस्त पौधे किसी भी उपचार से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें उखाड़कर जला देना ही बेहतर होता है, नहीं तो ये विषाणु अन्य पौधों पर भी रोग को फैला देते हैं। इसके अलावा रोगवाहक कीटों की रोकथाम के लिए पपीते के पौधों पर कवकनाशी दवा जैसे कि ऑक्सीमेथिल ओ या फिर डिमेटोन का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान मित्रों, पपीते को नुकसान पहुंचाने वाला अगला रोग है तना विकलन। इस रोग के लक्षण भूमि सतह के पास तने पर जलीय दाग या चकते के रूप में दिखते हैं। अनुकूल मौसम में इन चकतों का आकार बढ़ने लगता है और अंत में तने के चारों ओर मेखला सी बन जाती है। इस रोग से बचाव के लिए पपीते के बगीचे में जल निकास का उचित प्रबंध करें, जिससे बगीचे में पानी अधिक समय तक ना रुका रहे। साथ ही साथ रोगी पौधों को शीघ्र ही जड़ सहित उखाड़कर जला दें। ऐसा करने से रोग के प्रसार में कमी आती है। यह भी ध्यान रखें कि जहां से पौधे उखाड़े गए हों उस जगह पर दूसरे पौधे बिल्कुल न लगाए जाएं। इस रोग के रासायनिक उपचार के तौर पर भूमि सतह के पास तने के चारों तरफ बोडो मिश्रण या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रोग के लक्षण पत्ती व फलों पर दिखाई देते हैं। दिसंबर से जनवरी महीनों में पत्तियों पर नियमित से अनियमित आकार के हल्के भूरे रंग के दाग उत्पन्न हो जाते हैं। दाग का मध्य भाग धूसर होता है और रोगी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। इस रोग से प्रभावित होने पर फलों पर सूक्ष्म आकार के भूरे से काले रंग के दाग बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर लगभग 3 मिलीमीटर व्यास के हो जाते हैं। किसान मित्रों, इस रोग से बचाव के लिए रोगी पौधों के गिरे अवशेषों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। इसके अलावा कवकनाशी दवा जैसे कि टॉप्सिन एम या फिर मैकुंजेब का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था पपीते के कुछ प्रमुख रोगों और उन पर नियंत्रण के विषय पर। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।